कार्तिकेन आज हमें एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में बताएगा, ठीक है कार्तिक सुनाओ। एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस विद व्हिच सराउंड्स द अर्थ। इट कंटेन्स फॉलोइंग मिक्सचर: नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.92% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.05%, 0.03% इन द एयर एंड 0.02% इन द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर: आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन यूवी रेज फ्रॉम ऑफ सन। ट्रोपोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Its average height is 13 km. The air we breathe exists here. Or weather, all kind of weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. Stratosphere. Stratosphere is the second layer of the atmosphere. और दिस लेयर इज अबव द ट्रोपोस्फेयर और दिस लेयर इज अबव द ट्रोपोस्फेयर और इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। द दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर फिनोमिनास एंड आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इट कंटेन्स ओजोन लेयर। मीजोस्फेयर द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। It extends up to 80 kilometers. Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. Or thermosphere. Thermosphere is the fourth layer of the atmosphere. In this layer, temperature rises very rapidly with increasing height. Or it extends up to 80 to 400 kilometers. Ionosphere is a part of this layer. और फिर exosphere is very it is the very uppermost part of the atmosphere. और this layer has very thin air. और the satellite consists exist in this layer. और